आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, आपने इतना अच्छा पढ़ाया और हम बहुत समय सोच रहे कि कोरमाश नहीं करें और अंततः ये पूरी टीम की मेहनत से और वीरेन और राहुल ने शुरुआत की और आगे बढ़ाया और तमाम लोगों ने साथ दिया और आज ये नाटक हो पाया, इसके लिए आपका और टीम का मैं बहुत आभारी हूँ। और अस्मिता को 26वां साल हो रहा है और 26वें साल में कम से कम 26 चीजें तो निकल गई, अलग अलग 3-4 साल के बाद एक्टर जो आ जाते हैं दिल्ली से यहाँ पर और काम करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इस नाटक ने सबको लगभग एक साथ ही मंच पर ले आए, तो यह अपना तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। निर्देशक की तरह मैं बहुत ही समय मुझे अच्छा लग रहा है कि तमाम अलग अलग एक्टर यहाँ मौजूद हैं और वरिष्ठ अभिनेता भी हैं, नई एक्ट्रेस भी यहाँ पर है, तमाम है और आपका भी आभार हूँ कि आपने नाटक देखा। किसी कुछ कहना है कुछ तो कह सकता है इस नाटक के बारे में या कुछ पूछ सकता है या पात्र का परिचय आप चाहेंगे? एक्टर का नाम जी वजह शुरू करते हैं। सबसे पहले मोनिका चौधरी, संभव जैन और शेखर चौधरी, आर्यन कुमार, ज्योतिन्द्र लोकेंद्र सिंह आठो और मनोज क्या प्रशांत पुल्ले, जो बीच में एक्टमेंट था रामचंद्र का वो किया जी। शुभम तिवारी, शुभम तिवारी पंकज शास्त्री, अनीश कुमार और बहुत मुश्किल होता है लगातार इसमें 1.5 घंटे खड़ा होना और ये वो शख्स है जिसका निशाना नहीं छूटता। प्रदीप को जल्दी अपना नाम बताइए आप, प्रदीप कुमार जी, शमीम गांधी, नाम जो है गांधी किसी गांधी ने नहीं दिया, फिरोज गांधी ने दिया था इनको, जो गांधी करते करते इनका नाम गांधी हो गया। हमारे एक नाटक था जिन्ना, मिस्टर जिन्ना, जो कि भारत सरकार ने इसको रोक दिया था, जिसमें सुशांत बरार थे और जिन्ना कर रहे थे और एक दो जिन्ना यहाँ भी बैठे हुए उसमें से और इधर भी हैं और उसमें 4 जिन्ना थे तो उसमें गांधी अकेला था, वो गांधी ये थे। सौरभ अग्रवाल, और अच्छा ने कहा कि ये यहाँ पर जो राहुल और वीरेन इन तमाम लोग जो उसी की वजह से हम यहाँ नाटक कर पाए हैं, तो इसमें पूरा पूरा मैनेजमेंट जो किया राहुल दत्ता, हाँ जी ये डॉक्टर साहब ये डॉक्टर गलत जगह बैठा था, ये पेशेंट से आपको शायद जानकर नहीं होगी कि इनके 2-3 विशेषता है। एक तो ये हिंदी भाषा नहीं है, ये उड़िया है, उड़िया वहाँ से जन्मे और इन्होंने जो इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं कि हमें से बहुत सारे हिंदी वाले नहीं बोल पाते हैं। शिव कानूंगो, कानून का मतलब होता है जब कानून जानते हैं और ये पेशे से वकील है, वकालत इन्होंने की और उसके बाद जो थिएटर में आए, दिल्ली में थिएटर किया और अब यहाँ के सर सारे बिल्कुल एकदम हमारे बराबर ही हैं। लेकिन मनवी से शुरू करते हैं, रामचंद्र जिन्होंने किया पूरा नाटक 1.5 घंटे तक उनके चेहरे पे पढ़ा जा सकता था, मनवी चौधरी, शिव चौहान, शिव चौहान जिंदगी में बहुत ही सेंसिटिव है
और इस तरह की ये जो फ्रीडम टेंडेंसी से विश्वास नहीं करता है। उनके बदल में संदीप के बाद अस्मिता को जीवन संभाला था 6-7 साल, वो है वीरेन बसोया। जैसे अस्मिता में थे वैसे ही यहाँ है, उतनी ताकत के साथ, उतनी एनर्जी के साथ, और उतने उनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल पावर है उसके साथ कर रहे हैं। ये तमाम लोग जो इकट्ठे हो पाए हैं उसमें वीरेन का बहुत बड़ी भूमिका है। अभी हम प्लान कर रहे थे, हमारे एक बहुत चर्चित नाटक है अंबेडकर गांधी, सुना उसके बारे में ना? हम उसके बारे में बात कर रहे थे कि भाई गांधी भी यहाँ पर है। मेरा नाम शिव चौहान है और मैंने कैप्टन बीजी कपूर का कैरेक्टर किया। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था और बहुत मज़ा आया, और ऐसा लगा कि हमारा जो प्ले है जो ये कहना चाह रहे हैं ऑडियंस तक पहुँचा और उन्होंने रिसीव किया और वापस हमारे को अप्रिसिएशन दिया, तो काफ़ी अच्छा था। तो कब से जुड़े अस्मिता जो ग्रुप है ये काफ़ी रिनॉन्ड ग्रुप है दिल्ली की, और पता है कि काफ़ी लोग इससे निकल के काफ़ी करियर बना चुके हैं अपना, तो क्या कहना चाहेंगे किस तरह से आप देख रहे हैं इस रिश्ते को अभिनेता और एज किस तरह से आपको नरिश किया है एज एन एक्टर अस्मिता ने? जी, मैंने शुरुआत अस्मिता के साथ ही की थी 2009 में, और मेरी शुरुआत एक्टिंग की और जो भी परफॉर्मेंस आर्ट्स की बोल सकते हैं अस्मिता के साथ ही शुरुआत हुई, और जितना भी सीखा है इसे सीखा, अच्छा लगा दोबारा से रिकनेक्ट करके। सर आपसे जान सकता हूँ कि थिएटर बहुत ज़रूरी मीडियम होता है अपने को नरिश करने के लिए, जो एक्टिंग टैलेंट को लाने के लिए, लेकिन आज के दौर में देखें टेलीविजन हो गया या फिर आज फिल्म से वेब सीरीज है, इसके बहुत सारे रीजंस मुझे तो लगते हैं। सबसे पहले तो मॉनिटरी रीज़न जो है सबसे बड़ा रीज़न होता है, आप परफॉर्म करना चाहते हैं डेफिनेटली, और सच कहें तो किसी भी एक्टर के लिए सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देने वाला मीडियम जो है वो थिएटर ही होता है, क्योंकि इसमें जो रिस्पांस मिलता है वो आपको लाइव मिलता है, और ऊपर से जब आपकी एक्टिंग की जो जर्नी होती है, आप कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं तो वो एकदम नॉन स्टॉप चलती है, कंटिन्यूस वो जर्नी चल रही होती है, इसलिए एक एक्टर को सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन थिएटर में मिलता है। लेकिन चूँकि थिएटर में अमूमन पैसा नहीं है, इसलिए एक्टर को थक हार कर ये सारे मीडियम्स में कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो फिर दाल रोटी का सवाल आ ही जाता है, आप सिर्फ एक्टिंग करके तो जीवन नहीं बिता सकते, आपको अपना रोजी रोटी भी देखनी पड़ती है, इसलिए ये सारे माध्यम जो हैं, और हर मीडियम का अलग चैलेंज है, कैमरे के आगे परफॉर्म करना काफ़ी अलग होता है थिएटर से, थिएटर में कंटिन्यूस जर्नी चलती है, कैमरे में सब कुछ कट 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 करके होता है, तो उसके एकदम अलग चैलेंजेस हैं। थिएटर मेरे लिए मुझे लगता है कि ज़्यादा फुलफिलिंग होता है एक्टर, सिनेमा डायरेक्टर का ज़्यादा मीडियम है, क्योंकि डायरेक्टर को पूरा विजन पता होता है, तो अपने अपने मीडियम के अपने अपने चैलेंजेस हैं। सर आपसे जानना चाहूँगा कि काफ़ी सारे कम ऐसे संस्थान हैं जो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है थिएटर को, NSG हो गया या FRTM हो गया, तो क्या कितना जरूरी होगा कि काफ़ी लोग पैशनेट होते हैं इस करियर को लेकर एक्टिंग की बात करें तो, लेकिन उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, जैसे मान लीजिए आप लोगों को मिला है आज तक, तो क्या कहना चाहेंगे उस बारे में, किस तरह से बेहतरीन होते बेहतर होना चाहिए स्थिति ब्रिटिश बार्ड्स को लेकर? एक्चुअली अगर गवर्नमेंट की बात करें तो एक्चुअली NSD का जिक्र किया, तो एक्चुअली अगर सही तरीके से चीज़ें हों बेहतरीन प्लानिंग के तरीके से, करप्शन ना हो, तो एक्चुअली बहुत अच्छे से होगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से होगा। गवर्नमेंट ग्रांट भी देती है लेकिन लोग ग्रांट का मिसयूज़ करते हैं, लाइक वो शो 5 लाख का ग्रांट पड़ा, आपको मिले 3 लाख, तो 1.5 लाख में निपटा के बाकी अपने पास एक्टर्स को भी, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, अगर एक करप्शन हट जाए मेनली गवर्नमेंट से, ये चीज़ें जो हैं प्रॉपर सबके पास जाए, सारे थिएटर ग्रुप्स के पास, तो एक्टर को जो अभी हम मॉनिटरी लेवल की हम बात कर रहे थे, तो बहुत हद तक वो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, और ये ज़रूरी भी। और सर ये भी जानना चाहूँगा कोर्ट मार्शल जो प्ले, आप क्या समझते हैं क्या सक्सेस की वजह रही है, कामयाबी की वजह रही है, इतनी साल तक ये प्ले चला, इतने सारे शोज हुए हैं,
क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि लोगों को आकर्षित करते हैं इस प्ले को लेकर? देखिए आप ये बहुत ही ना जो चीज़ें सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं बहुत सारी और जो सोच है और जो डिस्पैरिटीज़ हैं ये बहुत ही एंटरटेनिंग वे से प्रॉपर एक ही कंटिन्यूस माइंडसेट को चेंज करता है पूरा प्ले ना. स्टार्टिंग में जितने भी लोग बैठे होते हैं इन कोर्ट मार्शल सबका माइंडसेट होता है कैरेक्टर के थ्रू जो रामचंद्र वो ड्यूरिंग द प्ले सबका माइंडसेट चेंज कर देता है एंड पीपल कनेक्ट विद दिस मतलब इन एन एंटरटेनिंग वे दे एक्सेप्ट कि हाँ ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है अभी भी आफ्टर यू नो सो मेनी ईयर्स ऑफ आर इंडिपेंडेंस स्टिल एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी सो दे कनेक्ट एंड दैट्स व्हाई ये आई थिंक प्ले चल रहा है इतने सालों से. कॉन्फिडेंस इस तरह से कि अस्मिता जिस तरह के प्ले करता है जैसा कि मैंने बोला था कि इतने रेलेवेंट प्ले करता है और हर प्ले जो है अस्मिता का सोशली पॉलिटिकली इतना ज़्यादा रेलेवेंट होता है कि वो नाटक करने का आपको दिल करता है क्योंकि आप कोई भी नाटक उठाकर देख लें आपको लगेगा कि ये इशू तो अभी भी है समाज में और ये दूर होना चाहिए. तो आप अगर सच में उन इश्यूज़ के बारे में फील करते हैं तो आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे तो वही एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है. और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ अरविंद सर का है क्योंकि डायरेक्टर वो हैं उनका विजन होता है वो चूज़ करते हैं कि हम ये वाला प्ले करेंगे तो जो प्ले उनके जहन को कचोटता है जो उनको बोलना होता है ऑडियंस से वो उस तरह का प्ले उठाते हैं और वो ऐसे ही प्ले होते हैं जिससे आप जुड़ सकते हैं आप फील करते हैं वो इश्यूज़ के बारे में तो वो बहुत बड़ा गाइडेंस होता है बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है हम लोगों के लिए. और क्या फाइंड डिफरेंस फाइंड करते हैं दिल्ली और मुंबई और बात करें मुंबई बॉलीवुड है ज़्यादा आपको चैलेंज फेस करना पड़ा किस तरह से अपने को तैयार किया उससे कैरेक्टर को देखने के लिए? सर इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं कह सकते बट उस चीज़ की एक सोल पकड़नी पड़ती कहीं ना कहीं सोल इन द सेंस जैसे अगर रामचंद्र का कुछ कैरेक्टर वो प्ले कर रहा जो कैरेक्टर तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को मैं फील करता हूँ कि मैं रामचंद्र का एक दोस्त हूँ रामचंद्र की जगह मैं अपने आप को स्टैंड करता हूँ. और जब प्ले चल रहा होता है तो उसमें जो डायलॉग्स चल रहे होते हैं तो एक एक डायलॉग को जब सुनते हैं हम तो वो ऑटोमेटिकली वो फीलिंग आ जाती है अंदर जैसे सूरज सिंह जो स्पीच बोल रहा है या विकास राय या मेजरपुरी जो भी स्पीच बोल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली फीलिंग आती है अंदर yes. कि हम अगर रामचंद्र की जगह होते तो हमारा क्या हाल होता तो वो फील करके ऑटोमेटिकली वो कैरेक्टराइजेशन अपने आप आता है और डायरेक्शन जो भी हमारे सर का रहता है उसके हिसाब से हम क्राफ्ट वर्क करते हैं और जो प्ले आपने देखा वो हम करते हैं. मेरा नाम इश्वाक सिंह है और आज का प्ले जो है कोर्ट मार्शल ये बेसिकली एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर की का जो पूरा पर्सपेक्टिव है व्यू पॉइंट है उसकी जो मेमोरी है ये वो है वो नाटक तो मैं वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का रोल प्ले करता हूँ सूरत सिंह नाम से. तो प्ले तो के बारे में तो क्या कहा जाए बहुत ही महान प्ले है बहुत ही चर्चित नाटक है कोर्ट मार्शल मेरे ख्याल है हिंदी रंगमंच का सबसे ज़्यादा पॉपुलर नाटक है जिससे हर कोई वाकिफ है चाहे कहीं पे भी हो आप साउथ में नॉर्थ में या बॉम्बे में भी कोर्ट मार्शल इज़ वेरी वेरी पॉपुलर. तो राइटर सुदेश दीपक की आप कोई भी कहानी पढ़ें तो उसमें वो कहीं ना कहीं आपको झकझोर देती है क्योंकि उसमें ऐसी सच्चाई होती है एक आई थिंक कंटेम्प्रेरी वर्जन ऑफ जो आपको एक मिठास एक स्वाद आपको जो प्रेमचंद और मंटो में मिलता है वो कंटेम्प्रेरी कुछ राइटर्स में है और सुदेश दीपक मेरे ख्याल है सबसे ऊपर है उनमें. बिल्कुल. और प्रिपरेशन का जैसे बहुत अच्छी बात बोल रहे थे कि हर बार आप क्या है थिएटर में मज़े की बात यह है कि आप अलग अलग तरीके से प्रिपेयर करना सीखते हैं. कई बार प्रिपरेशन ये भी होती है कि आप एक बनावटी प्रिपरेशन नहीं करते आप चीज़ों को नहीं बनाते जो ये बात करें क्योंकि देखिए ये जो नाटक है ये जो कहानियाँ हैं अगर आप सजग हैं अगर आप आसपास की चीज़ों से वाकिफ़ हैं तो
आपको कहीं ना कहीं आप वो बातें अपने पास एक लाइव सिचुएशन है, हर आदमी ईमानदारी से एक बात कह रहा है, आप अगर सुनेंगे तो आपके अंदर वो चीज़ पैदा होगी, वो रिएक्शंस पैदा होंगे, वो आपका बोलने का मन करेगा, आपकी आवाज़ उठाने का मन करेगा, अगर आप समझें कि आपका दायरा क्या है और बाकी लोग का है. यू नो ही इज़ अ जवान, मैं एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर हूँ, अगर मुझे कोई बात बुरी लग सकती मैं डांट सकता हूँ, ये डांट नहीं सकते, ये अपने अंदर उस चीज़ को महसूस करके इनकी मुट्ठी कस सकती है, कसी भी होगी कई जगह. जैन को जब मौका मिला इन्होंने धाड़ा भी, और जैसे गिरीश भाई का जो वो है पार्ट रावत का है, पहली बात तो इट वॉज ब्यूटिफुल, आई हैव नेवर सीन इट सो वंडरफुल एवर, तो बहुत मज़ा आता है. देखिए सबसे खास बात अभी इस शो की बात है कि यहाँ पे ये इस शो की खासियत ये है कि मैंने इनके साथ मैं 8 साल से 9 तकरीबन 9 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं इनके साथ मुझे कभी मौका नहीं मिला, अभी रिसेंटली किया था दो प्ले कर. तो मतलब हम बहुत डिफरेंट जनरेशन्स जो हैं, और आई वुड से कहीं ना कहीं क्रीम एक होती है थोड़े, जो जिन लोगों को हर आदमी मेहनत करता है थिएटर में, सच बताऊँ तो बहुत मेहनत करता है, अस्पताल जैसी जगह करनी पड़ती है मेहनत, लेकिन कहीं कुछ लोगों का की थोड़ी किस्मत ज़्यादा अच्छी होती है, उनको थोड़ा मौका ज़्यादा मिल जाता है काम करने का, चाहे अच्छा एफर्ट ज़्यादा करते हैं, जो भी होता है ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो उस तरीके से मैं कहूँगा ये मुझे सारे वही दिखे, मेरे इमीडिएट सीनियर्स, मेरे से ज़्यादा सीनियर, मेरे से कुछ जो नए जो लोग जल्दी आ गए थे, मैं तो अभी भी दिल्ली में नाटक करता हूँ, तो उस तरीके से इस नाटक की खासियत वही थी कि हम सब ने एक तरीके से एक हमारी जो फोर्स है वो हमें और एक दूसरे को सरप्राइज कर दे, जैसे इनको देख के मैं सरप्राइज हुआ प्लेजेंटली, गार्ड इनका पहली बार दिखाई भी मुझसे बहुत सीनियर है, तो इस तरीके से उम्मीद है मेरा भी कुछ अच्छा लगा हुआ आप लोग, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, तो इस तरीके से मतलब बहुत मज़ेदार और आई थिंक मेमोरेबल शो. अपने अनुभव का कैसा अनुभव रहा, क्या कहना चाहेंगे इस प्ले को? मैंने जो मुझे ये किरदार मेरे को 2 दिन पहले पता लगा कि मैं ये कर रहा हूँ, कल मैं दिल्ली से यहाँ पर मुंबई आया तो फ्लाइट में पढ़ते हुए आया मैं, और आज गाड़ी में पढ़ते आया बस, और उसके बाद बस ये है कि हाँ थिएटर में टू चैलेंज योर सेल्फ, ये एक चीज़ जो है मुझे बहुत हेल्प करती है, मैं अपने आप को हमेशा चैलेंज करता रहा, और बस वही चीज़ जो है वो आज शायद कुछ एक्सपीरियंस भी है, वो सारी चीज़ें जो हैं आज यहाँ पर इस मंच पे उतरी हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा. बाकी जैसे इश्फाक है, रविंदर मेरे समकालीन ही है, शायद 2-3 महीने बाद ही आया था, तो इन सब के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, नए लोग हैं उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है. लाइकवाइज थिएटर ग्रुप से भी इतना ज़्यादा कामयाब रहा है ये प्ले, इतने सारे एक्सपोज हुए हैं, किस तरह से देखते हैं ऑडियंस का जो रिएक्शन है इस प्ले को लेकर, और किस तरह से अनुभव महसूस करते हैं इस प्ले का हिस्सा बनकर, क्या महसूस करते हैं? एक्चुअली इस प्ले के इतना ज़्यादा ऑडियंस के बीच में लोकप्रिय होने का एक ही रीज़न है, इसका मुद्दा बहुत चुना है. जिस तरह से हमने जातिवाद के मुद्दे को इस प्ले में उठाया गया, तो इससे होता है कि पब्लिक एक कनेक्ट हो जाती है अपने में. मुझे इस टॉपिक पर कुछ एक फिल्में भी बन चुकी हैं बॉलीवुड में, हिंदी फिल्म में, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा विचार किया है, तो यही एक रीज़न मुझे समझ में आता है कि इस प्ले को इतने ज़्यादा, मतलब हम हज़ारों बार इसे कर चुके हैं लेकिन आज भी इतना ज़्यादा लोकप्रिय है, ये रीज़न है. सर आप अपने अनुभव को बताइए कि क्या कहना चाहेंगे इस प्ले को लेकर, और कैसा महसूस करें इस प्ले का हिस्सा बनकर? अच्छा मैं अभी भी आप कैरेक्टर में ही हो क्या? जॉब होता है नाटक करने का, एक्ट करने का, तो की जॉब होती है. इस प्ले का हिस्सा मैं बहुत साल पहले से रहा हूँ. पहली बार मेरे पास जो प्ले की स्क्रिप्ट आई थी वो 2008 में, उसके बाद से मैंने बहुत सारे प्ले खेले हैं, इसमें बहुत सारे मैं किरदार किए हैं, कम से कम 70% रोल किए हैं इस नाटक में अलग अलग समय में. अभी रामचंद्र का किरदार प्ले किया है, और अभी आज का जो प्ले था यहाँ जो हुआ है, ये मैं कम से कम 4 साल के बाद फिर से रिपीट शो किया है, क्योंकि क्या है उतना रेगुलर बेस पे नहीं हो पाता है. अगर आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में क्या है, अगर आप रहते हो तो आपके पास बाकी के कमिटमेंट्स कम होते हैं, आप मुंबई जैसे शहर में हो आपके और भी कमिटमेंट्स होते हैं, आप साथ साथ अपने करियर के बहुत सारे कमिटमेंट्स, अपना काम सिनेमा से रिलेटेड, अपनी लाइफ से रिलेटेड, और थिएटर बहुत बड़ा कमिटमेंट मांगता है, तो वो भी करना बहुत ज़रूरी होता है. सिनेमा को जो आपने डेट्स दिए हैं या कमिटमेंट दिया है वो निभाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. जी कैसा?
लगभग इस प्ले कर रहे हैं, और अस्मिता ग्रुप की खासियत बताइए कि क्या खासियत है जो इतने दिन से इतनी कामयाब शोज कर रही है। अच्छा, पहले आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को प्ले कैसा लगा? आप अनुभव के बारे में, जहाँ तक बहुत जीवंत अनुभव होता है जो स्टेज होता है ना, आप यहाँ मोमेंट्स जीते हो। वो कैरेक्टर खत्म होने के बाद तक कुछ समय तक मैं बाहर नहीं आ पाया था। गुड यार, वेरी गुड, थैंक यू रुला दिया जिसने, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपने कैरेक्टर को इसके कैरेक्टर से रिलेट करता हूँ, क्योंकि सर्विस में 20 साल हो गए, मैं भी जवान आया था, बढ़ते बढ़ते सूबेदार बना। आप लोगों को पता चला मैंने कौन सा कैरेक्टर किया? हाँ, तो ठीक है। और अस्मिता, जहाँ तक बात रही अस्मिता की, तो अस्मिता पिछले 26 सालों से लगातार, एक होता है कि आपने किया साल में एक बार दो बार, ये लगातार हर हफ्ते नाटक दर नाटक, नाटक दर नाटक, और ये सिलसिला चलता आ रहा है, और सिर्फ एक इंसान की वजह से, वो हमारे गुरुजी श्री अरविंद गौर। सॉरी, आप मतलब अस्मिता के नाम की और इस ग्रुप के बारे में खासियत पूछ रहे थे, मैं आपको एक बताता हूँ। सबसे पहले तो ग्रुप का नाम अस्मिता है, और अस्मिता का मतलब ही पहचान होती है। आप सब मीडिया से लोग हैं, आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो हम लोगों से, आपको ज़्यादा तजुर्बा होता है इस बात का। और जब आप अच्छा काम करते हो, आप कहीं भी बैठे हो, आप देर से नोटिस हो गए या जल्दी में नोटिस हो गए, आपके काम से बड़ा, आपका कोई अनुभव से बड़ा, आपकी कोई पहचान नहीं होती, कोई आइडेंटिटी नहीं होती, और कोई अस्मिता नहीं होती। आपका काम आपकी अस्मिता है। अरविंद सर की डेफिनेशन है अस्मिता, और अस्मिता की डेफिनेशन है अरविंद गॉड और हम सब। सर, आप मुझे चेंज करने का मौका मिला सर, अगर इजाजत हो तो मैं चेयर बदल दूं, वो चेयर में बैठ जाऊं, बहुत अनकंफर्टेबल है। सर, पहले परिचय ले ले अपना, और इस शो में आपने थोड़ा सा कॉमेडी का तड़का लगाया, तो कैसे किया ये सब, कैसे हुआ, अरे क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, कॉमेडी वैसे मेरा नाम शिव कानूनगो है, और मैं अस्मिता के साथ पिछले करीबन 7 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और ये प्ले मैंने करीबन 3 साल बाद किया हुआ है। और कॉमेडी का तड़का सर, ये हम लोग हमारे पूरे इंडस्ट्री में राइटर को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना देना चाहिए, तो ये कॉमेडी का तड़का स्वदेश दीपक जी ने लगाया है। मैंने उनका एक वर्जन अपने ओर से प्ले किया, जो कि ऑडियंस को बहुत पसंद आया। ये कह रहा था कि जहाँ इतना सीरियस प्ले चल रहा है जी, उसने आपका तड़का लगा, कैसे कर लेते हैं सब, तालियां बजा रहे थे, सीटियां बजा रहे थे, कैसा लगता है जब? जी सर, लाइव परफॉर्मेंस का तो कुछ अलग ही मजा होता है, जो कि कैमरा के सामने बिल्कुल नहीं आ पाता है। तो लाइव परफॉर्मेंस में जब ताली बजती है, सीटी बजता है, फिर सिर्फ ताली और सीटी नहीं, कभी कभी कभार गैस्प आता है ऑडियंस से, कुछ गिर जाता है तो हाँ करके ऐसे बोलते हैं, तो उन सब का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। और रहा जहाँ तक बात रही कॉमेडी की, तो सर मैं तो कैरेक्टर समझ के नेचुरली जितना जो लाइन्स निकलता है वही लाइन्स हम लोग बोलते हैं। किसको क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? सर ये क्रेडिट सर स्वदेश दीपक जी का भी है, अरविंद सर के डायरेक्शन का भी है, कुछ मेरे समझदारी का भी है, तो क्योंकि ऐसे सबकी सर मिली भगत है। पर अगर आप सबसे ज़्यादा श्रेय अगर आप देना चाहें तो दो इंसान हैं, राइटर स्वदेश दीपक एंड डायरेक्टर अरविंद गौर, एंड आई एम जस्ट, मैंने बस अपने ओर से कुछ 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 थोड़ी बहुत चेंजेस किए, दैट्स इट। अस्मिता इस नाटक को 96 से लगातार कर रहा है, और देश भर के कोने कोने में हमने किया है, और हमने श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक और जयपुर से लेकर डिब्रूगढ़ तक, सब जगह पूरे देश भर में नाटक किया है। और ये नाटक हिंदी रंगमंच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। स्वदेश दीपक ने इस नाटक को समाज में जो हमारे फ्यूडल टेंडेंसीज है उसको लेकर नाटक लिखा है, जो हम जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, और या छोटे बड़े के नाम पर, या तमाम छोटे छोटे चीज़ों पर हम आदमी
आदमी को आदमी नहीं समझते उसके बारे में नाटक है। और ये नाटक जो सफ़र है इतना लंबा सफ़र है, बहुत ही अच्छा लगता है कि ये नाटक हम जो हज़ार से ज़्यादा इसके शूट कर चुके हैं और जब भी करते हैं हमेशा नया लगता है। और एक पूरी एक्ट्रेस की जनरेशन इस नाटक ने बनाई है, दीपक डोबियाल से लेकर बजरंग बली सिंह से लेकर जो है राहुल खन्ना और वीरेन बसोया, बहुत सारे एक्ट्रेस हैं जिस जो इस नाटक के माध्यम से आगे निकले हैं, जिन्होंने इसमें काम किया है। अभी भी ये नई जनरेशन के लिए नाटक एक नई चीज़ रहता है हमेशा, इस नाटक के संवाद जो है नया जोश देते हैं और सबसे बड़ी बात है एक समझ पैदा करते हैं। जो थिएटर अस्मिता करता है वो राजनीतिक सामाजिक नाटक करते हैं हम लोग, कि समाज में बदलाव की बात करते हैं, तो मानसिकता को बहुत बदलता है नाटक। और इस नाटक से अभिनेता न सिर्फ प्रशिक्षित होता है बल्कि उसकी सामाजिक राजनीतिक समझ का भी विकास होता है। सर ये भी कहना चाहूँगा, प्रोटेस्ट बैन और थ्रेट जो होता है वो फिल्मों जो कंट्रोवर्शियल फिल्म्स होती हैं उससे रिलेटेड, लेकिन आपके जो भी प्लेज हैं इसमें प्रोटेस्ट या बैन थ्रेट, उस चैलेंज को आप कैसे फेस किया अभी तक जो भी प्लेज आपने किया है? क्योंकि आपका मकसद तो पॉजिटिव होता है लेकिन लोग उससे नेगेटिव एस्पेक्ट में लेते हैं, उससे क्या कहना चाहेंगे? नाटक जब आप करते हैं तो कई बार सिस्टम को लगता है कि सिस्टम के खिलाफ नाटक है, और तो हमारी कोशिश रहती है कि हम उसके उसको समझाएं, बातें करें, संवाद करें। हमारा थिएटर एक तरह संवाद का थिएटर है, ये नहीं कि हम सिस्टम में टकराव की बात नहीं करते, हम कुछ सिस्टम को बेहतर करने के लिए नाटक करते हैं। अस्मिता का चाहे नुक्कड़ नाटक हो चाहे मंच के नाटक हो, हमने हमेशा समाज की बात की है। और हमारे लिए ज़रूरत है कि जो हमारी मानसिकता है समाज में जो सवालात हैं, किसी भी तरह का सवाल हो, चाहे किसानों के सवाल हो, दलितों के सवाल हो, बच्चों के सवाल हो, महिलाओं के सवाल हो, उन सवालों को लेकर अस्मिता नाटक करता है। और यही वजह कि बहुत सारे नाटक आंदोलनों में अस्मिता ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। जब करप्शन वाला आंदोलन था तो उसमें भी अस्मिता की बहुत बड़ी भूमिका थी। हमने जगह जगह जाकर नाटक किए, लोगों को इकट्ठा किया, उसका पूरा नाटक पूरा आंदोलन खड़ा किया। दामनी वाला आंदोलन था उसमें भी हमने लोगों को मोटिवेट किया, लोगों बाहर निकले, लोगों ने हकों की लड़ाई के लिए बात की और लोगों के सामने आया कि अब ये और ज़्यादा मंजूर नहीं होना चाहिए, कि सड़कों से छेड़खाने से लेकर एसिड अटैक से लेकर डोमेस्टिक वायलेंस के तमाम सवाल हैं, तो उन पर हमने नाटक लेकर आए। तो कई बार क्या होता है कि लोग पहले से अपनी बनी बनी मानसिकता के साथ जब रहते हैं तो उनके साथ डायलॉग करना पड़ता है। हम लोग साथ डायलॉग करते हैं, टकराव नहीं करते हैं। और यही वजह है कि हम गौर से @gandhi.com जैसा नाटक कर रहे हैं, कस्तूरबा और गांधी कर रहे हैं, अम्बेडकर और गांधी जैसा नाटक कर रहे हैं, और विचारों को हम मंच पर लाते हैं। और ज़रूरी कि हम एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे की सुने तो तब शायद जाकर हमारे अंदर बदलाव आता है, तब जाकर समाज में बदलाव आता है। सर मुंबई में आप कंगना ने अपनी करियर की शुरुआत आपके थिएटर ग्रुप से की थी, क्या कहना चाहेंगे आज जो उस मुकाम पे हैं, आप खुद को कितना उसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? जब भी किसी गुरु का कोई विद्यार्थी आगे बढ़ता है तो बहुत खुशी होती है। कंगना रनावत ने बहुत अच्छा काम किया है और उसने अपने बहुत बड़े मुकाम तक पहुंची है, और जब वो अस्मिता को या मुझे याद करती है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतने बड़े मुकाम पर पहुंचने के बाद आमतौर से हम अपनी जड़ों को भूल जाते हैं। ये कंगना का बड़प्पन है, उसके बाद अच्छा ये कि वो आज भी याद रखती है। और सबसे बड़ी बात है कि अभिनेता काम करते करते रंगमंच के माध्यम से आगे बढ़ता है, इससे बड़ी खुशी किसी और गुरु के लिए नहीं हो सकती। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे छात्र जो हैं अलग अलग माध्यम में काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और अस्मिता चूंकि जिस तरह का थिएटर करता है उसी तरह के उनकी अभिनेताओं की आगे ज़िंदगी जाती है। और यही वजह है कि इंडस्ट्री में आने के बाद कंगना ने जो सवाल उठाए और जिस ताकत के साथ उठाए वह बहुत बड़ी बात है, उन सवालों कोई उठा नहीं सकता था। और पूरी जिस तरह से उसका विरोध हुआ उसके सबके सामने डटी रही, आज भी डटी हुई है, ये अस्मिता थिएटर ने ही ताकत दी, और थिएटर ही अभिनेता को मजबूत करता है। और सच में अच्छा लगता है जब हमारे अभिनेता आगे बढ़ते हैं और वो थिएटर का नाम बड़ा करते हैं, अपने ग्रुप का करते हैं, और सबसे खुशी तो निसंदेह मुझे होती है। सिर्फ आखिर में इतना चाहूँगा कि जिस तरह से और बिजनेस होते हैं, इतना भी प्रोडक्शन कॉस्ट होता है, स्टेज के लिए आपको चार्जेस लगते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी प्ले आपके ग्रुप की उतनी मनी इसके लिए मतलब आप प्रॉफिटेबल नहीं देखते उस चीज़ को, कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं है आपका, तो किस तरह से आपने मैनेज किया इतने सालों तक सफल प्लेस करना? हमारा पूरा थिएटर जो है सेल्फ डिपेंडेंट है। हम जो सस्टेनेबल सिस्टम पे काम करते हैं कि हम टिकट बेचें और उसके बाद जो है अपने खर्चे निकालें, हम थिएटर वर्कशॉप करते हैं ताकि ग्रुप को मदद मिले। लेकिन हमने एक बात ध्यान रखी है कि हमने आज तक 26 साल में सरकार से एक पैसा नहीं लिया है, क्यों? हमें लगता है करदाता का पैसा है, उस पैसे को अन्य माध्यम में लगना चाहिए। और दूसरा कि जिस तरह का पूरा सिस्टम बना हुआ है उसके बीच में ज़रूरी है कि आप थिएटर को ऐसा थिएटर का मॉडल बनाएं जो अपने ऊपर निर्भर हो। तो 26 सालों में हमने इस तरह बनाने की कोशिश की है और उसमें हम कामयाब रहे हैं। हमारे आर्थिक दिक्कतें होती हैं, सब कुछ दिक्कतें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद हम काम करते हैं, लगातार
लगातार काम कर रहे हैं। अभी हमने 25 साल का अपना सेलिब्रेशन किया था और 25 साल के सेलिब्रेशन में हमने ₹1 टिकट रखा था अपने तमाम नाटकों का, और हमने कहा था जिन दर्शकों के बल पर 25 साल की हमारी यात्रा रही है उनको सम्मान देने के लिए हम ₹1 टिकट रखे। तो दर्शक के बल पर ही हमारा थिएटर चलता है, और मुझे लगता है कि एक नए तरह का थिएटर अस्मिता ने डेवलप किया पूरे देश में, और विशेष रूप से हिंदी रंगमंच पर दर्शकों को क्रिएट किया है और एक्टरों को प्रशिक्षित किया है। बहुत बड़े तादाद में एक्टर अस्मिता से प्रशिक्षित होते हैं, और ये अपने ऊपर निर्भर करके थिएटर करना एक बहुत बड़ी ताकत होती है। फिर आपको किसी भी तरह के कंप्रोमाइज की, किसी भी तरह के समझौते की जरूरत नहीं पड़ती है। आप ईमानदारी से जो बात कहना चाहते हैं, बिना किसी डरे, बिना किसी से झुके आप वो बात कहते हैं, और शायद अस्मिता यही ताकत है कि हम अपने बल पर, अपने दर्शकों के बल पर, अपने दोस्तों के बल पर थिएटर कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, हासिल की है। और हर अच्छा एक्टर परिवार की मदद करना चाहता है, निसंदेह कोई उसमें नहीं है। हम भी एक परिवार आप बहुत सारे मॉरल सपोर्टर अन्य तरीके से होती है, तो ग्रुप को मदद करनी चाहिए आर्थिक रूप से, लेकिन हम उनसे ये कहते हैं कि आप जो हैं हमें काम करने दीजिए, क्योंकि अगर हम आपसे मदद लेके काम करेंगे तो हम आप जैसे और अभिनेता पैदा नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि हम चाहते हैं कि हम रोज़ाना कुआ खोदें, रोज़ाना काम करें, हमारे पास रोज़ाना चैलेंज हो, रोज़ाना हमारे पास चुनौतियाँ हों। तो अगर हमारे पास एक पैसा फिक्स आप आराम से बैठिए, हम साल भर का खर्चा जो है अस्मिता का जितना है वो आपके अकाउंट में जमा कर देंगे, आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ जो है नाटक करिए। तो उनको मैं कहता हूँ कि नाटक तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन नाटक के साथ मेरे लिए ज़रूरी है आप ऐसा मॉडल तैयार करना जो आने वाली जनरेशन के लिए भी एक उदाहरण हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैं रोज़ाना काम करूँ, वर्कशॉप करूँ, एक्ट्रेस को प्रशिक्षित करूँ। अगर पैसा मेरे पास बिना कुछ किए आएगा, गुरु दक्षिणा के रूप में आएगा, तो शायद मैं उस तरह काम नहीं कर पाऊंगा। मेरे अपने लिए हो जाएगा कि जब आ ही रहा है तो मुझे मेहनत नहीं करना है। तो मैं उनसे कहता हूं कि हाथ जोड़ कहता हूं कि बेटा मुझे काम करने दो, मुझे आप जैसे और सैकड़ों पैदा करने हैं और सैकड़ों अभिनेता मुझे प्रशिक्षित करने हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अस्मिता अपने पैरों पर खड़ा हो। दिक्कतों के बीच में हम रहें ज़रूर रहें, लेकिन नई चुनौतियाँ लगातार हमारे सामने होगी, हम नया काम नई ऊँचाइयों की तरफ लगातार तब बढ़ पाएंगे। सर, ये ग्रुप से मैंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी, जब मुझे एक्टिंग का ये भी नहीं आता था तब से मैंने शुरू किया। और ये कोर्ट मार्शल एक ऐसा नाटक है जो मेरे दिल से हमेशा, मेरे दिल के हमेशा करीब रहा है। और जब मैं दिल्ली में होता था तो मेरी इच्छा होती थी कि मैं कोई कैरेक्टर करूँ, करते 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 हमें दिल्ली में कैरेक्टर मिला। तो ये, और बॉम्बे में मैंने शुरुआत करी है मानसून थिएटर फेस्टिवल की, तो मेरी इच्छा थी कि अस्मिता का पहला नाटक कोर्ट मार्शल ही हो। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट करी कि सर कोर्ट मार्शल से शुरू करते, क्योंकि इसके अंदर जो दम है ये नाटक एक्टर बनाता है। मतलब इसमें इतने फ्लेवर्स हैं, स्पेशली ये जो सलाहकार जज हमारे साथ बैठे थे, कोई डायलॉग नहीं है तब भी आपको रिएक्शंस देने हैं, और चीज़ें बहुत मुश्किल होता है जब आपके पास डायलॉग नहीं हो और आप बैठे हो स्टेज पे। और स्पेशली थिएटर, मतलब लाइव परफॉर्मेंस जो है ना, वो एक आर्टिस्ट को जिंदा रखती है। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा, और स्पेशली आर्मी में जो वैल्यूज़ हैं वो इस प्ले में दिखता है, और हमारे समाज में जो इश्यूज़ हैं जो आज भी प्रासंगिक है। ये जो नाटक है, कलर ब्लाइंड एंटरटेनमेंट ने अस्मिता थिएटर ग्रुप के साथ इसको यहाँ पर मुंबई के दर्शकों के बीच में जो लेकर आए हैं, क्योंकि हम देखते हैं समाज में आज भी आप देख रहे हैं कि ऊंच नीच, और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें एससी एक्ट के बारे में, फिर पार्लियामेंट अभी जो है अपना भारत का संविधान चेंज करने जा रहा है, एक्ट लाने जा रहा है। तो ये नाटक आज भी बहुत प्रासंगिक है और सोशल इश्यूज के ऊपर बेस्ड है। बहुत बढ़िया नाटक है। तो आप जैसे फिल्में बनती हैं सोशल इश्यूज पे ज्यादा, नाटक का भी रुझान चाहिए सोशल, जो काफी सारे मैटर्स हैं, काफी सारी इंसिक्योरिटीज हैं आज के दौर में, क्या कहते हैं किस तरह से लोगों का दिमाग का जो है ना बदलाव जरूरी है।
माइंडसेट जरूरी है? बहुत जरूरी है। देखिए नाटक क्या होता है, लाइव होता है। फिल्म में आपको रीटेक का मौका मिल जाता है, बट नाटक में ऑडियंस आपको इमीडिएट रिएक्शन देती है। और इस नाटक में तो आपने देखा ही होगा कि आर्मी में भी ऐसे इश्यूज आते हैं जहां पर जाति और भेद, आर्मी मींस आर्मी, सारे एक जैसे माने जाते हैं, बट आपने भी देखा होगा इसमें कि वहां पर भी जातिगत विशेषता वाली बात आ गई। अफसर यहां दो क्लास हो गए, रूल्ड एंड रूलिंग। तो अफसर जो है वो अपने मातहतों का, जो अपने उसके जूनियर्स रहते हैं, उनके साथ मिसबिहेव कर रहा था, वही रीजन था इसमें। तो नाटक का पर्पस यही था कि हम समाज में इन विकृतियों को, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको दर्शा सके और वो आगे कंटिन्यू नहीं करे। इसीलिए देखिए नाटक एंड भी हुआ जहां पर एक पोएटिक जस्टिस हुआ, कैप्टन कपूर ने अपने आप को ही शूट कर लिया। थैंक यू।